तो दोस्तों नोकिया लाने जा रहा है एक ऑलराउंडर फ़ोन जो कि सबसे सस्ता होगा, जिसका नाम होगा नोकिया X200, जो कि नोकिया का सबसे सस्ता ऑलराउंडर फ़ोन होगा, जो कि बहुत ही बढ़िया वेरिफिकेशन और कैमरे के साथ आएगा। तो आज की इस वीडियो में पूरा इसके बारे में डिटेल्स और फीचर के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बारीकी से इसके बारे में जान लेते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बन रहे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी डिजाइन के बारे में। तो इसके पीछे आपको कुछ इस तरीके से बेहतरीन डिजाइन मिल जाता है, जिसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है इसकी बैक में और फ्रंट में गई, और ये फ़ोन आपको मेट के साथ फिनिशिंग वाली होगा। और इस तरीके से कुछ कैमरा यूनिक तरीके से दिया गया है, ट्रिपल कैमरा के साथ मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाएगा 6.7 इंची फुल एचडी डिस्प्ले। फुल एचडी डिस्प्ले होने के कारण आपको बहुत ही बेहतरीन इसमें परफॉर्मेंस दिखाएगा। उसके साथ साथ 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा इस, ताकि और ही बेहतरीन स्मूथ लगे आपको चलाने में। बहुत ही बेहतरीन इसमें आपको कलर परफॉर्मेंस करेगा। अब बात कर लेते हैं इसके इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट भी दिया गया है। अब बात कर लेते हैं मेन इसके कैमरा के बारे में। तो इसमें आपको तीन कैमरा मिलता है, जिसमें एक 50 मेगापिक्सल और एक 8 मेगापिक्सल और एक 2 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा आपको मिल जाएगा, ट्रिपल कैमरा का क्वाड, और 4K रिकॉर्डिंग इससे आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको इसमें सोनी का सेंसर लगाया है, जिससे आपकी फोटो और बेहतरीन क्वालिटी दे सकता है। उसके बाद फ्रंट की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेसर के बारे में, यानी इसके चिपसेट के बारे में। तो इसकी प्रोसेसर आपको मिलते हैं हीलियो G88 का पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी रैम ब्रांड के बारे में। तो इसमें आपको तीन ब्रांड मिलता है, जिसमें पहला होगा 4GB और 1 64GB के साथ आएगा, दूसरा होगा 6GB 128GB, तीसरा 8GB 128GB। इसमें आपको एक मेमोरी 2 सिम कार्ड सपोर्ट कर सकता है, आपको 256GB तक स्टोरेज बना सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी बैक बैटरी और चार्जर के बारे में, जो कि मेन हालांकि चलाने में आता है। तो इसमें आपको 6000 mAh की पावरफुल बैटरी मिल जाती है, उसके साथ 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके प्राइस के बारे में। तो 4GB और 64GB की प्राइस 14,000 है, और 6128 16,000 और 8128 की 18,000 का ये फ़ोन आता है। अब बात कर लेते हैं इसके लॉन्च डेट के बारे में। तो ये अभी अनऑफिशियल है, इसके लॉन्च डेट के बारे में नहीं बताया गया है। जैसे इसके आगे का इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको मैं ज़रूर बताऊँगा।